अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान मारुफा नवाज अहमद आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और साथ में आज आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि हमारे शहर कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जो है न्यू मार्केट, जो कि अब बिल्कुल भी चीप नहीं रहा है, बिल्कुल भी चीपेस्ट मार्केट उसको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भाव है ना वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ का रमज़ान का नज़ारा देखने के लिए कि कैसा भीड़ चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मारुफा आप न्यू मार्केट एंड राजा बाजार का वीडियो बनाओ, तो राजा बाजार तो अभी जाने का मेरा मौका ही नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल कहकशा को करना है अपने ईद का शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो मार्केटिंग है वो मैं ईद रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। रमज़ान के दौरान मुझे बिल्कुल शॉपिंग करना पसंद नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ होता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है भीड़ भड़क का देख के। मैं शांति से शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ। बहरहाल मेरे बहुत सारे अभी ऐसे भाई बहन हैं जिनका शॉपिंग अभी बाकी है, और उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मेरे तरफ से आप लोगों को एज अ तोहफा मतलब वीडियो एज अ मतलब न्यू मार्केट का हाल जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यही मेरे तरफ से तोहफा होगा आप लोगों के लिए। चलिए बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो वहीं पे हम लोग आज इफ्तार भी करेंगे। साहब को मैंने बोला है कि वहां पे आप लोग आ जाइएगा, तो चले अब निकलते हैं और चलते हैं और देखते हैं न्यू मार्केट का आंखों देखा हाल कब। जी न्यू मार्केट ये देख सकते हैं आप लोग, चलिए चलते हैं अंदर। नाउ फ्रेंड्स, आप जैसे ही न्यू मार्केट वाले एरिया पर उतरते हो ना, वहाँ पर आपको वास्ट स्ट्रीट शॉप्स मिलेंगे, जिसे आप देखते देखते पूरे मार्केट के अंदर तक जा सकते हो। तो वही आज हम लोग करेंगे। जितने भी स्ट्रीट शॉप बाहर में हैं, थोड़ा हम लोग भी वहाँ देखेंगे, झांका ताकी करेंगे कि यहाँ पे क्या सारे सामान मिल रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे मार्केट के अंदर और वहाँ भी चलकर करेंगे एक्सप्लोर। फिलहाल जैसे ही हम लोग उतरे थे यहाँ पे हमें मिल गया था एक स्ट्रीट शॉप, जहाँ पे 200 रुपीज़ में ऐसे बहुत सारे कुर्तियाँ मिल रहे थे, जिसका जो मटीरियल है वो कॉटन एंड रियॉन मटीरियल में है। आप लोग देखें ये ब्लू वाला मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें वाइब्रेंट कलर एकदम बहुत ज़्यादा समर फ्रेंडली मटेरियल है सारा। आइए आगे चले। क्या सिर्फ 150 रुपीज़ में ऐसे फुटवेयर, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन से यार आप लोग देखें। अगर आप लोगों ने मेठिया ब्रूज वाला ब्लॉग मेरा अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर जाकर देखिए, वहाँ पे 100 रुपीज़ में सेल लगता है ऐसे फुटवेयर का। और भाई अभी मैंने 2 कदम ही आगे बढ़ाया था कि फिर से मुझे एक बार रास्ते के साइड में ये वाला एक और स्टॉल मिल गया था, जहाँ पे 200 रुपीज़ से लेकर 350 रुपीज़ के अंदर अंदर बहुत सारे कुर्तियों का ऑप्शन था। मटेरियल इनका कॉटन एंड रियॉन है, समर फ्रेंडली मटेरियल होता है, और ऐसे शॉप आपको पूरे न्यू मार्केट या स्ट्रीट्स में मिल जाएंगी जहाँ पर आपको 200 में कुर्तियाँ मिलती हैं। आगे थोड़ा बढ़ी तो यहाँ पे दिखा चैपलिन सिनेमा के नाम से ये वाला जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे आपको बच्चों के काफ़ी सारे ड्रेस आइटम्स मिल जाएंगे, जिनमें बेबी गर्ल एंड बाबा बॉय के जो सारे ड्रेसेस होते हैं वो मिक्स होते हैं। क्या दाम है भैया सबका? 400 का सेट। आइए आगे की तरफ चलें। उसके बिल्कुल पास में ही ये वाला स्टॉल था, जहाँ पे ओनली 250 रुपीज़ में आपको ऐसे बैग्स मिल रहे हैं। ये बैग मुझे अच्छा लगा, 250 रुपीज़ में यार बुरा नहीं है। और ये देखें ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये पूरा न्यू मार्केट में घूमी हूँ तो देखी हूँ, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर भी है, और ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यार ये कौन लेता है इतना चमकीला बैग, अरे सॉरी लेने वाला लेता है। 250 रुपीज़ में अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो ये काफ़ी सही है, डील अच्छा है, आप देख कर अपना समझ कर ले लेना। जो मैंने आप लोगों को अभी ब्लैक में दिखाया था उसका ये देखिए ग्रीन कलर यहाँ पर, और एक ऑप्शन है इसका दूसरा कलर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए वाइट में। मैंने ना कहा था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बैग। आइए आगे चलते हैं, काफ़ी बैग देख लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो सारे आप लोग देख रहे हो ना, सबका प्राइस अलग अलग है। क्या दाम है भैया उसका? सामने की तरफ जितने हैं वो 150 और उस तरफ वाला 250। सूट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे दिखे हैं इस बार स्ट्रीट शॉप में, बहुत सारे वेंडर्स जो है वो लगा कर रखे हैं अपना स्टॉल। क्या दाम है इसका?
150 रुपीस में बुरे नहीं हैं, यूज़ एंड थ्रो है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स ये वाला, क्योंकि एज यू ऑल नो कि आई एम अ ब्लॉगर, मेरा चलने का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, यहाँ वहाँ टूट गया तो परेशानी होगा। ब्लैक दिखाओ, ब्लैक ब्लैक वन इज लुकिंग नाइस भैया। ओ भाई क्या दाम है ब्लैक वाला का? 1250। ये भी सूट अच्छा लग रहा, देखो ये वाला, दिस वन पूरा नहीं खोलेगा तो नाटू का जी एक्सप्लोर करते करते न्यू मार्केट को मैं जब आगे बढ़ रही थी तो मेरी नज़र पड़ी थी एक और स्टॉल में जो कि रास्ते पर ही लगाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेवी सूट्स मुझे दिखे हैं जो कि आप देख ही सकते हो सामने, बहुत ज़्यादा भड़कीले, बहुत ज़्यादा चमकीले टाइप के सूट्स यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं भाई, मुझे सूट्स लेना नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं आगे आ गई। यहाँ स्टॉल में मैंने वही देखा जो पुराने सारे स्टॉक्स होते हैं, वही चिकन का थ्रेड वर्क का कुर्ता पजामा का पूरा सेट जो 600 रुपीस के अंदर आपको मिल जाएगा, वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन। अब भाई फ्रेंड्स यहाँ से ना वन बाय वन करके आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे, मतलब दुकान मिलेंगे जहाँ पे आपको फुटवेयर के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस एंड वैरायटीज़ देखने को मिलेंगे। ये देखें ये सारे, सबका प्राइस अलग अलग होता है, कोई 350 का होता है, कोई 650 का होता है, कोई 700 का होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस। एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आप न्यू मार्केट पहुंच जाते हो तो आपको रोड साइड में बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे जहां पे आपको रेडीमेड सूट्स वगैरह भी मिलेंगे देखने को, एक से बढ़कर एक, एंड 650 से लेकर 700 के अंदर अंदर। और ये देखें यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, गरारा सूट, सलवार सूट, पैंट सूट, प्लाजो सूट, सारे ऑप्शंस। कोलकाता के आप निवासी हो और अगर अभी तक आप न्यू मार्केट नहीं आए हो तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, न्यू मार्केट तो आप लोग जानते ही हो। बाहर से भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे शहर कोलकाता न्यू मार्केट स्पेशली शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को भी मालूम होगा कि रैंडमली ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, बच्चों के टॉयज़ का, बैग्स का, कपड़े का, जूते का, मतलब रैंडमली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मैं मार्केट की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं स्ट्रीट में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती चल रही हूँ, क्योंकि भाई ईद की मार्केटिंग करने आई हूँ मैं, तो मुझे जो नज़र आ रहा है सामने वो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, ताकि अगर अभी तक आप लोग न्यू मार्केट नहीं आए हो तो कम से कम आप लोगों को आने से पहले यहाँ पर का एक जायज़ा मिल जाए कि अभी भीड़ कैसा चल रहा है यहाँ पे और कैसे कैसे ऑप्शंस यहाँ पे ड्रेस के, बैग्स के, फुटवेयर के सारे आए हुए हैं। और ये देखिए ये सामने बहुत सारे ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ मैनी ऑप्शंस, सामान बहुत सारा खरीद लिया नहीं संभल रहा है तो अभी बड़े बड़े बिग शॉपर बैग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओहो, एस हॉग मार्केट आज बंद है, न्यू मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है, इस वजह से भीड़ भी ना के बराबर है। कोई बात नहीं, स्ट्रीट शॉप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है न्यू मार्केट का, जब यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा भी रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है स्ट्रीट शॉप में। बहुत सारे ऐसे बैग्स ना स्ट्रीट में आपको दिखेंगे शॉप में जो आप देखते रह जाओगे। ये देखे सामने, ब्यूटिफुल। आगे बढ़ने पर मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में, ए बाबा क्या रेड ड्रेस, कौन पहनता है यार रेड कलर, बहुत हेवी रेड। ओह चलिए आगे चलते हैं। तो भाई फ्रेंड्स यहाँ हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट में बहुत सारे आपको बैग्स के एक से बढ़कर एक ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 300 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक के बैग्स जो है आपको स्ट्रीट शॉप में मिल जाएंगे। जो ऊपर की तरफ आप जितने देख रहे हो ना, वो जेली बैग्स जिसको कहते हैं, सब बताएंगे 1200, 1300 रुपीज़, लेकिन जब आप लोगे तो 700 से लेकर 800 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, जब मैं लखनऊ के आमिनाबाग मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पर अपने मुँह से 500 रुपीज़ करके बैग्स बहुत अच्छे डिजाइन के बेच रहे थे। लो बजट में अगर आप पूरा रेडीमेड सूट ढूंढ रहे हो ना, तो न्यू मार्केट इज द बेस्ट डेस्टिनेशन वेयर यू कैन गेट ऑल दिस। आप देख ही सकते हो सामने बहुत सारे ऑप्शन है, कलर के भी बहुत सारे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, डिजाइन भी बहुत सारे मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वंस अगेन बहुत सारे फुटवेयर का कलेक्शन, बहुत सारे बैग्स का कलेक्शन पूरे न्यू मार्केट में। ऐसा हॉग मार्केट बंद है, इट मींस कि ट्रेजर आइलैंड भी बंद होगा, हम लोगों को वहीं पर जाना था
और मैंने सोचा था कि आप लोगों को वहाँ का भी वीडियो पूरा दिखाऊंगी, लेकिन जब यहाँ बंद है तो आई थिंक कि वहाँ भी बंद होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे सारे ड्रेस के ऑप्शन। भाई ये चिकनकारी जो थ्रेड वर्क का जो कुर्ता पजामा का जो सेट है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड कॉमन है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो ले सकती हो। यहाँ पे मुझे अपने घर के लिए थोड़ा फ्लावर वगैरह चाहिए था, क्योंकि भाई ईद आ रहा है तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करना होता है, सिर्फ खुद को ही नहीं तैयार करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सारे चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। और ये देखिए ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉप है, बरकत अली अहमद नाम से ये फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सूट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें से आपको गाउन, गरारा सूट, शरारा सूट, चिकनकारी कुर्तियों का भी बहुत सारा कलेक्शन है। ये वाला जो ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने देखा है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बेबी पिंक कलर का ये वाला सूट, इसका दूसरा कलर है ये वाला। प्राइस मैंने पूछा है तो भैया ने बताया है कि 1200 रुपीज़ करके आपको पर पीस मिलेगा, लेने से दाम कुछ कम हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप लोगों को कैमरा करके दिखाऊं तो ये देखें ये सारे ऑप्शंस है। न्यू मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केटिंग डेस्टिनेशन है। वैसे अभी रमज़ान चल रहा है और जैसे जैसे रमज़ान एंड होने लगेगा वैसे ही वैसे भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, और आज संडे के दिन है इस वजह से थोड़ा भीड़ कम है, तो आराम से आप देख सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। स्कर्ट्स के भी यहाँ पर भरपूर ऑप्शंस है, डिवाइडेड स्कर्ट्स जो होते हैं उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो अगर आप डिवाइडेड स्कर्ट या खाली स्कर्ट अगर लेना चाहते हो तो डेफ़िनेटली यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। कलर्स के भी ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे लेमन ब्लू पिंक सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैचिंग करके लेना चाहते हो तो इसके भी ऑप्शंस है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं कम। ये देखिए बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कुर्तीज़ हैं जिनको अभी गर्ल्स जो है वो पैंट एंड प्लाजो के साथ पहनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और आगे आइए, आगे की तरफ देखते हैं, ये देखें यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर फ्रॉक गाउन ये सारी चीज़ें मिल रही हैं 550 रुपीज़, 600 रुपीज़ के अंदर अंदर, ठीक है। भाई हमें जाना है ट्रेजर आइलैंड, लेकिन आई थिंक कि अभी वो भी बंद होगा, क्योंकि एसएस हॉग मार्केट जब बंद होता है तो ट्रेजर आइलैंड भी बंद होता है। जब आप ट्रेजर आइलैंड की तरफ जाने लगते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सूट्स के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर ये देखे बहुत सारे ऐसे रेडीमेड कुर्ता प्लाज़ो, कुर्ता पैंट, शरारा सूट, गरारा सूट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये देखें कुछ कुछ मैं आप लोगों को दिखवा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें खुद 650 रुपीज़, 700 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट होता है। मार्केट के बाहर में तो उतना भीड़ नहीं है, अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेजर लैंड के अंदर। ट्रेजर लैंड तो बंद है, संडे के रोज आ गए हम लोग, अब क्या करोगी, ग्लोब के अंदर चलो। दिन में तो मार्केट आ गई, पूरा ट्रेजर वगैरह सारी ही चीज़ बंद है, और ये मार्केट पूरा खाली खाली, क्या लोगी, क्या लोगी, हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, चलो निकलो यहाँ से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खाली खाली से मार्केट, देखो कोई है, कोई नहीं है। नीचे जो मिल रहा है ना स्ट्रीट शॉप में उसी का ये गोडाउन है, यहाँ पे निकलो यार यहाँ से, पूरा मार्केट खाली खाली है। श्रीराम जाएगी, हाँ जा निकल, तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही लगा के रखा हुआ है, कोलकाता मर जाएगी क्या वहाँ पे बाजार, कोलकाता चल। ग्लोब मार्केट के अंदर मैं जब भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे कभी भी कोई ऑप्शन इंडियन वेयर में समझ में नहीं आता, अगर कंपेयर करूँ ट्रेजर आइलैंड से या श्रीराम आर्केड से, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। अभी यहाँ की बात करूँ, ये देखिए 400 रुपीज़ में ऐसे कुर्तियाँ आपको मिल रहे थे, और ये वाला तो 249 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुझे लग रहा है, और लिख कर रखा है इन लोगों ने ट्रेंडी कुर्तीज़। यार ये कहाँ का ट्रेंड है आप मुझे बता दो ज़रा, ये येलो येलो उसमें ब्लू ब्लू फ्लावर ये कुर्ती देखिए, ये कॉटन मटेरियल का था 400 रुपीस में, ये वाले ऐसे फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज़ मिल रहे थे, और इनके साथ में दुपट्टा का ऑप्शन है,
और इसका ये दूसरा कलर मैंने उठाया है। यहाँ पे मैं आई हूँ, जब एक्सप्लोर कर रही हूँ तो वन बाई वन करके जो सामने नज़र आ रहा है वही चीज़ें मैं आप लोगों को उठा कर दिखा रही हूँ, ताकि भाई मेरा तो कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है आज मार्केट आकर, लेकिन मेरे व्यूअर्स का जो कीमती वक्त है वो बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप लोगों को मैं थोड़े बहुत अपने वीडियोज़ के ज़रिए जानकारी अगर दे दूँ तो आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि कहाँ पर कैसी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए कैसा आइसक्रीम ग्रीन कलर का लग रहा है, उफल्ला, ये देखिए ये वाला रेड वाला। और दूसरी बात तो भाई जब भी ऐसे कोई स्टोर में चले जाओ, कोलकाता बाज़ार या कहीं भी, तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर बजता है। 800 रुपये का वो कुर्ती है यार, देख के कौन बोलेगा। ये देखिए ये 399 रुपीज़ में आपको ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जहाँ पर आपको एम्बोज प्रिंटिंग का ये सारा कुर्ती मिल रहा है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ईद एट लीस्ट। ये देखिए ऐसे पैंट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जो दिख रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मारुफा आपका पसंद को क्या हो गया है, बिल्कुल नहीं, जो दिख रहा है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी चलिए, यहाँ तो मैंने कोलकाता मार्ट में भी देख लिया, कुछ उतना अच्छा नहीं कोलकाता बाजार में, अभी सिम पार्क मॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं शायद वहाँ कुछ नज़र आ जाए जो खरीदने के लायक हो। क्या कशा को कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक। ईद के लिए डेकोरेशन हो रहा है पूरा सिम पार्क मॉल के अंदर। चलिए चलते हैं अंदर, आइए ये देखें, ईद के लिए पूरा चांद तारा से डेकोरेशन किया गया है। अंदर आने पर ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं थे सामने। सिम पार्क मॉल से भी हम लोग निकल गए हैं और वहाँ से भी क्या कहते हैं अपा को कुछ समझ नहीं आया। मार्केट बड़ा खाली खाली सा, ये देखें यहाँ इस तरफ, लेकिन वहाँ उस तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है उस तरफ। ये हम लोग आ गए हैं श्री लेदर, और श्री लेदर आते ही ऐसा लगता है कि सारा चीज़ फ्री में बढ़ रहा है। अब भाई श्रीलेदर में ना ऐसे ऐसे बैग्स का भी बहुत दिन से मैं कलेक्शन देख रही हूँ, करीबन साल डेढ़ साल से ऐसे बैग्स का भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गया है जिसे आप ले सकते हो, स्टाइलिश बैग्स। ये देखिए सामने, और ये देखिए ये वाला बैग्स यहाँ पे। ये देखिए हैंड पर्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सारा वास्ट कलेक्शन है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है। 550 रुपीज़ का है ये। ये देखिए ये सारे यहाँ पे 400, 600, 700 के ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये देखिए ये वाला, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये 1350 रुपीज़ का है। प्राइस देखकर बताती हूँ, रिजनेबल प्राइस है 840 रुपीज़, कोई खास ज़्यादा नहीं है। अब मैं आप लोगों को लेडीज़ वाले सेक्शन में लेकर आई हूँ, आप लोग यहाँ देखें। थोड़ा सा अगर आप लोग खूबसूरती में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे ना, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे टिकाऊ चप्पल मिल जाएगा। अब भाई मुझे तो एडजस्टमेंट करने का आदत हो गया, पहले मैं बहुत अच्छे अच्छे सैंडल्स खरीदती थी बाहर की तरफ से। ये हर वक्त क्या होता रहता है श्री लेदर में, हर वक्त साल का 12 महीना। लेकिन भाई जब से व्लॉगिंग का काम मैंने ऑन किया है ना, तब से मुझे खूबसूरती में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके मज़बूत चप्पल ख़रीदना होता है, जिससे मैं वॉकिंग ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कर सकूं। तो इसलिए मैं श्री लेदर आ जाती हूं कि भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं खूबसूरती में, लेकिन मज़बूत रहे कि भाई रास्ते में धोखा ना दे, ऐसा कोई चप्पल मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ। वैसे मुझे बाहर से भी ख़रीदारी करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर के जो सारे फुटवेयर है ना, आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं अगर कंपेयर करूँ श्री लेदर वाले फुटवेयर से। तो भाई फ्रेंड्स, ड्यूरिंग रमज़ान मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मारुफा आप हमें कोलकाता के जो फेमस मार्केटिंग डेस्टिनेशन है, शॉपिंग डेस्टिनेशन है, वहाँ के वीडियोस लाकर दिखाए, जैसे कि मेटिया ब्रूज, राजा बाज़ार, जकरिया स्ट्रीट, न्यू मार्केट। तो भाई न्यू मार्केट तो आना जाना हो ही जाता है अपने काम के लिए, लेकिन ये मेटिया ब्रूज, राजा बाज़ार और जकरिया स्ट्रीट मेरा ना के बराबर जाना होता है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेटिया ब्रूज गई, वहाँ का वीडियोज़ जो है लेकर आई अपने चैनल पर और अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों को राजा बाज़ार और जकरिया स्ट्रीट का भी कोशिश करके बहुत जल्द वीडियो लाकर दिखाने वाली हूँ अपने चैनल के ज़रिए।
भैया हम लोग श्रीनगर से, और भीड़ देख लीजिए इस वक्त का। क्या हो गया, क्या हो गया, उसका मूड खराब हो गया। क्या करेगी, ट्रेजर बंद, सब बंद है। ये देखिए एसएस हॉग मार्केट भी बंद, न्यू मार्केट जो है वो भी बंद, सारा बंद है। और ग्लोब मार्केट में पसंद नहीं आया ना, तेरे को पसंद नहीं आया ना, क्या करेगी अब। चल तेरा बुटीक चलते हैं, चल आ जा। ये देखिए रमज़ान के लिए सारा बनना जो है वो तैयारी शुरू हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग इफ्तार करने वाले थे यहाँ पे, लेकिन नहीं करेंगे इफ्तार, हम लोग सीधा निकलते हैं घर के लिए। संडे की वजह से भीड़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कयामत आया हुआ, वहाँ उस तरफ रह रहे जाम हो जा रहा है। जैसे जैसे शाम होगा ना, वैसे वैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगा। और आज लगता है हम लोग खाली विंडो शॉपिंग करने के लिए निकले थे। तो चलिए, अब अहमद का भी कॉल आ गया, उनका प्लान था कि हम लोग यहाँ पर करेंगे आज के इफ्तारी, लेकिन समहाउ वी ड्रॉप दैट प्लान, क्योंकि भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और संडे की वजह से मार्केट भी बहुत सारा बंद है। काम हुआ नहीं, इसका मूड बड़ा ख़राब से क्या हुआ। तो चले निकलते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, चेक करना। हाफिज़।